लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब। क्वेश्चन कैसा था मेन जैक? निबिल भाई क्या कर रहे हैं? मैं ऑयलिंग कर रहा हूँ, बालों का सत्यानाश हो चुका है स्प्रेज लगवा लगवा के, तो बस शो पे जाना था। हाँ ना, सत्यानाश हो गया अली बालों का, तो ऑयलिंग कर रहा हूँ। जिस दिन से फूफा घर आया हूँ 3 बार ऑयलिंग कर चुका हूँ, तभी बाल वापस कुछ आते दिख रहे हैं, कुछ घने हो रहे हैं बाल। जज़ाकअल्लाह और सरसों के तेल का शुक्रिया। आप क्या कर रही हैं फरा? मैं कुछ नहीं, मैं बैठी हुई थी, मैं काम कर रही थी। मैंने सुना है आप लोग जा रहे हैं। जी। मुझे अकेला छोड़ के यहाँ पे। जी आप भी आ जाएं। मैं अभी शो चल रहा, कैसे हूँ, कितने बाल टूट रहे हैं यार, ओह माय गॉड, हेयर फॉल, गंजा हो जाऊंगा। चले अभी बस ये लगा के फिर मैं जाऊंगा नहाने। 4 क्या टाइम हो गया? नहीं है, मेरे ख्याल से 4:00, हाँ 4:30 हो चुके हैं, मैं देख के आया था टाइम, तो 4:30 हो चुके हैं। मैं बस ये ऑयलिंग करके 15 मिनट में नहाने चला जाऊंगा, फिर उसके बाद सीधा निकलेंगे बोल की जाने, और अली भाई घूमते हुए अपने मस्त माहौल में जी रहे थे। चलो मैं हो गया हूँ लेट, फरा मेरे लिए कर रही है इस्त्री शर्ट, और मैं बस अभी नहा के निकला हूँ। थैंक यू फरा, आप मेरे लिए इतना कुछ करती हैं, चाय भी बना के पिलाई है इसने भी। कौन कौन से मैं तुम्हारी नेकियों को झुठलाऊंगा, कभी यही याद आई रबी कुमार तू कर्जीबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे। तो आज ये पहन रहे हैं, ठीक है, कपड़ों की कमी नहीं है, नए कपड़े ठिन ठिन ठिन, और ये भी कपड़े फुल पैक हो चुके हैं क्योंकि फुफो भी निकल रही हैं। किधर जा रही हैं फुफो? फैसलाबाद जा रहे हैं फुफो, हो गई डन, पंजाब जा रहे हैं हम। थैंक यू फरा। तो जी पहली है जीन्स, नहीं पहली जीन्स पहन के बस राइड कर रहा हूँ, बहुत लेट हो चुका हूँ क्योंकि पैकिंग वगैरह कर रहा था, और पैकिंग वगैरह में टाइम बहुत लग गया, और बस यही है, और कुछ प्लानिंग्स वगैरह हो रही है कुछ फ्यूचर के लिए, तो उसके ऊपर भी ये शर्ट कैसी लग रही है, बस अच्छी लग रही है, तो कुछ फ्यूचर की प्लानिंग भी हो रही है, उसके बारे में भी आपको सून व्लॉग्स में ही पता चलेगा। तो बस मैं अभी निकल रहा हूँ यार, लेट हो गया हूँ, निकल रहा हूँ, बोल पहुँच चुके हैं और खुद ही अपना जो हल्का फुल्का टचअप कर लिए, और अभी बस ऊपर जा रहा हूँ, और ये हमारी टीम की 2 लड़कियों के बाल ही पूरे हो रहे हैं। क्या हो गया भाई जान आपको? तो ऊपर क्यों नहीं जा रही हैं यार? शो शुरू होने वाला है और ये हमारी क्वीन रानी हमारे टीम की, इन लोगों को इधर ही छोड़ के जा रहा हूँ क्योंकि लेट हो चुके हैं, तो जा रहा हूँ भाई ऊपर, और आई एम ऑन द वे, तो ऊपर जाते हैं इंशाल्लाह, देखते हैं क्या होता है, और ऊपर आ चुका हूँ, और गाने की आवाज़ तो सुन के लग रहा है जो शुरू हो चुका हुआ है, क्या हो गया ऊपर रेडी हो रही है। तो जी आ चुके हैं पहले ब्रेक पे, और अभी थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, फ़ोटोज़ हो रही हैं, सबकी फ़ोटोज़ हो रही हैं, मैं भी चाह रहा हूँ अगर फोटो हो जाए तो मैं भी खड़ा हूँ लाइन में फ़ोटो। देखते आए हुए हैं, और पीछे रबीका का गाना चल रहा है और इधर फोटोज चल रही हैं। नहीं नहीं, इस पे नहीं लगेगा, इसकी कॉल आ गई, फोटो भाभी हमारी फोटो क्लिक करवाते हुए। तो जी शो शुरू होने लगा है और क्रिकेट का टाइम है, और मैं अपना दूसरा ब्लॉग कर रहा था, तो उस चक्कर में अब्दुल्ला नहीं बताना, अब्दुल्ला नहीं बताना यार, अब्दुल्ला नहीं बताना, नहीं नहीं बात अपनी बात कर रहा हूँ भाई। हाँ ये आंसर नहीं बता, आप उसके फेस के आके आ रहे हो,
ये सही है बिल्कुल। अगर वीक मांगे हैं ठीक है। तो जी हम आ चुके हैं सेकंड ब्रेक पे, रंगबा सेट हो चुका है और एक बंदा जो मेरे व्लॉग खराब करता है वो दूसरों के व्लॉग अब बना रहा है, तो इससे बदला लेने का टाइम तो आ रहा है ना। क्या सो दिल पे ले जाते हैं, मतलब हम रोस्टिंग में किसी के शो चल रहा है भाई जान, शो चल रहा है, शो चल रहा है, शो बता सकते हैं ना, शो चल रहा है टीवी पे आएंगे क्या, फिर क्यों नहीं बताते। बहुत तंग किया इस बंदे ने मुझे मेरे व्लॉग में, हाँ गुस्सा आता है मुझे, बहुत गुस्सा आता है। और सबसे थैंक यू सो मच नबी, हमने एक सेगमेंट स्टार्ट किया रोस्टिंग, ठीक है। अच्छा तो रोस्टिंग में आपको सब सामने वाले के लिए सच बोलना पड़ता है, उसकी सारी जो चीजें होती हैं गलत गलत वो बतानी पड़ती है। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि रोस्टिंग में आप सच ही बोल रहे हैं। अच्छा रोस्टिंग का तो मतलब है कि झूठ आ दिए तो हम झूठ बोल रहे हैं, सही थोड़ी बोल रहे हैं। यही तो बोल रहा हूँ, झूठ क्यों बोल रहे हैं, कॉमेडी के लिए होता है सम टाइम द सेक ऑफ कॉमेडी। थोड़ा सा ये बोले आप डरते हैं आपकी फटती है, नहीं 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 आप डरते हैं, अगर अगर सुने अगर फटती होती ना तो इतनी बार हराया नहीं होता सामने वालों को, तो डरते तो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बात इतनी सी है कि रोस्टिंग जो आप वर्ड जिसका मीनिंग पूछे ना उसमें फॉर द सेक ऑफ कॉमेडी समटाइम आपको चीजों को एलिवेट करना पड़ता है। बहुत प्यारे लग रहे हैं देखो, अकलमंदी अकलमंदी की बात, अकलमंदी की बात जहाँ होती है भागने का बहाना। तो जी आपको क्या हो गया, इतनी सीरियस बैठी है यहाँ पे, आपने मेरा मेन चैनल का व्लॉग खराब किया, बड़ा मजा आया आपको है ना, बहुत जालिम हो गई है। मेन चैनल का व्लॉग देखेगा के बोल तो दें, मेन चैनल का व्लॉग दीजिए, उसको लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और क्वेश्चन कैसा था मेन चैनल वाला, बहुत अच्छा था और बहुत ही दिमाग का क्वेश्चन था, यहाँ पे सबके दिमाग बंद हो जाते जाग गए थोड़ा सा। मैंने कहा आईक्यू क्वेश्चन लेके लोग, इससे पता है कि आपकी जहानत बढ़ेगी इससे, क्योंकि जब आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं ना तो आपका आईक्यू लेवल बढ़ता है। तो होपफुली हफ्जा को मजा आया होगा देख करने में। हाँ ना, ये क्या कर रहे हैं, वही तो देख रहा हूँ, इसको क्या हो गया, इसको क्या हो गया, क्या हो गया इसको, ऐसे बोल रहे क्या हो गया इसको, मियां बीवी आपस में कुछ बातें करते हुए क्या हो गया भाईजान आपको, तो तुम रंग बात बोली जा रहे हो, उसका क्या करना है, चीटर पाकिस्तान स्टार वाले यही बोलेंगे उनके फैन के, तुमने चीटिंग की है, तुमने बैटरी में से नंबर निकाल लिया पता तुम्हें। बैटरी में से नंबर निकाला तुमने यार, ये चीटर है यार, इधर बैठा कोई चीटिंग कर रहा है, ये मुझे शक हो रहा है इस पे कोई, और पीछे जाके नंबर देख लो नहीं, इसने बैटरी के अंदर से रंगबाज के नंबर निकाल लिए, ये होगा ही वाला क्रिकेट होगा होगा ऑब्वियसली, बैटरी पड़ी है। शो ऑलमोस्ट शुरू होने लगा है और हमारा भाई बैठ चुका है, और ये हमारी टीम, क्या सोच रहे हो भाईजान अकेले क्यों बैठे हो, क्या हो गया इतना डिप्रेशन किस चीज का चल रहा है, गाना मैं सुनते आता हूँ, कौन सा गाना सुनते आता हूँ मैं, तू छट नहीं सकती, हाँ शो शुरू होने लगा है, नबील नबील शो खत्म हो गया, नबील डांस करना है तुमने, तू छट नहीं सकती है। तो जी शो शुरू होने लगा है और ये देखें क्या क्या खाना खुल गया, क्या तीन मीडियम तीन क्या क्या क्या, और ये क्या मीडियम से बोल गया, कपड़े बेचना शुरू कर दिए तुमने, तीन मीडियम ठीक है, लड़पड़े बच्चे लड़पड़े कपड़ों के लिए, ये कपड़े मिल गए, कपड़े मिल गए, क्या हो गया क्या हो गया, कौन सा साइज मिल गया आपको, स्मॉल मिल गया, ये शोहर ने बेगम की भी ले ली है, हैं मैं बेगम की भी मैं ही उठाऊंगा, क्या हो गया, ईशा ने क्यों नहीं ली, ईशा अच्छा चलो यार, तो एक पॉइंट से हार गए, एक कौन सा आ रहे हैं, नॉट अ बैड गेम। तो जी शो से फ्री हो मैं निकल रहा हूँ, मैं अपना दूसरा मेन ब्लॉग बना रहा था, उस वजह से ये वाला ब्लॉग मेरा डेली ब्लॉग होते हैं वो रह गया थोड़ा सा। खैर फयाज निकल चुका है, लेकिन आज मुझे जाना फयाज की तरफ ही है, क्योंकि मुझे कुछ काम है और लिफ्ट लेट आएगी, मैं भी जा रहा हूँ, और सब जा चुके हैं, हार गए आज का मैच, ओवरऑल बराबर जा रहा था गेम्स में, गानों में आके हम माइनस में चले गए, और फिर भी अल्लाह ने इज्जत दी कि सिर्फ एक पॉइंट से हारे हैं। खैर अभी स्टूडियो से जा रहा हूँ नीचे, क्योंकि जाके देखते हैं क्या हुआ, अभी शूज़ चेंज करूँगा फिर निकलूँगा मैं प्यास के करके। ये मेकअप रूम में आ चुके हैं, ये जो चल क्या रहा है पूरी, ये मुझे इस बोल में माशाल्लाह से
10 महीने हो गए हैं, ठीक है, और 5 सीज़न हो गए हैं माशाल्लाह। यहाँ ये जो रानाइयाँ हैं ना बोलती, ये माशाल्लाह है, माशाल्लाह देखें, टैलेंट देखें, मियाँ बीवी भी हैं, बहनें भी हैं, बहन भाई भी हैं, फिर इनके बारे में क्या बात करें, चलो छोड़ो फिर ये बहन भाई भी हैं, तो मतलब रिलेशंस की बहार है और मैं एक अकेला, लेकिन अकेला मतलब अल्लाह साथ है भाई, बाकी टेंशन कोई नहीं है। बड़ा गोश्त भी खाता हूँ, छोटे के नेड़े नहीं जाता हूँ, मुर्गी को हाथ नहीं पाता हूँ, ये एक पंजाबी सेइंग होती थी हम लोग बचपन में कहते थे कि टेंशन लेनी नहीं, छोटा को खाना नहीं, बड़े के नेड़े जाना नहीं, तो मुर्गी को हाथ पाना नहीं। खैर अभी ये दो भाई तो मैं दिखाना ही भूल गया था, ये भी हमारे शो की रनाई है, कहाँ था ना जरा, मैं ना शो की रनाइयाँ दिखा रहा हूँ कि क्या क्या रिश्ते हैं इधर, माशाल्लाह हस्बैंड वाइफ हैं, तो ये दो भाई भी हमारे पास, अकबर अमर अकबर एंथनी साहब है, ये तो दूसरा पानी अच्छा, ये खत्म इनकी कहानी, ये है अकबर और बाबर की कहानी। सब बनना चाहते हम जैसे, क्योंकि हमारा अंदाज है अपना अपना। ये जो तुमने ये मुझे दिखाओ, ये इसका क्या है? मेरी हाइट है नाटी, मैं हूँ इल्यूमिनाटी। अच्छा इल्यूमिनाटी है ये, लड़ाइयाँ हो रही हैं भाई जान, लड़ाइयाँ। तो जी मैं बोल से आ चुका हूँ, किधर भाई जान, किधर आया हूँ, किधर आ गए ये बालों को क्या करा लिया तुमने एक साइड से? सुना ये और भी कुछ कराने के चक्करों में फिर रहे हो तुम? ये एज के होंगे। अच्छा तो भाई ये देखें जी, मेरे लिए आ चुका है मज़ेदार सा खाना, कोफ्ते लग रहे हैं मुझे, कोफ्ते चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जब का खाऊं भी नहीं, क्या बाहर मिलते हैं ना थोड़ी देर बाद। तो मैं बाहर गया था पेप्सी लेने, और मेरा आज मूड था छत पे बैठ के खाने का फयाज भाई के साथ। फयाज भाई उसामा से बात कर रहे हैं। क्या उसामा से बात कर रहा हूँ मैं फोन पे? हाँ। मुंह पे लेके आ गया। हाँ उसामा बोल। उसामा ने एक्चुअली मैं आना था अभी घर, लेकिन खैर, तो मैं पेप्सी लेने गया था, फयाज भाई को पीना था जूस, साथ मुझे एक दुकान दिखी जिसके पास बर्गर मिल रहा था, बर्गर लेके आए। अब मैंने कहा टेस्ट कर लेते हैं। अच्छा तो टेस्टिंग के लिए ले आया हूँ, टेस्टिंग के मोटिव से, देखिए कैसा होता है फर्स्ट टाइम। फ्राइज भी है भाई जान, ऐसा नहीं है कि फ्राइज नहीं है, मैं भी एक ट्राई कर लूँ फ्राइज। हाँ भाई जान ये मेरी ईटर की, तो अकेला पिएगा तो मेले तो जूस ले गया। रात जवान है। क्या जवान है? रात जवान है। अच्छा रात जवान, वो देखो ना बादल निकले हुए हैं, सिर्फ हम ही ढल रहे हैं, रात जवान है। चलो यार लेट अस ट्राई दिस बर्गर, और रात आज छत पे गुजरने वाली, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब मैं दिल से टूटा होता हूँ ना, तो मुझे आसमान अच्छा लगता है। कैसा है भाई रिव्यू दे बर्गर का? अच्छा अच्छा, अबे यार इसको जिंगर बोला था, ये जिंगर है? जिंगर नहीं, ये तो पैटी बर्गर दे दिया इसने। चलो तो जी बर्गर हमने खा लिया। अच्छा बर्गर खाने के बाद ना फयाज भाई मुझे दिखा रहे थे कि कोई ना इधर क्या लिख गया, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना, मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। चार बोतल वोडका कहा मेरा रोज का, ना मुझको कोई रोक के, ना किसी ने रोक का, कैप्टन के दो पॉइंट। आज मैंने ब्रेकअप की पाड़ी रख ली है, एक से एक बोतल दारू स्पीड लगा के, मम्मी डैडी को सुला के आओ, मेरे साथ पार्टी पे कब पार्टी पे। लकी भाई दे दो ना, लकी भाई गाओ ना, लकी भाई ओवर टू यू, लकी भाई गाओ ना यार।